हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीटेट 2018 के एग्जामिनेशन में पेडागोजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल का आंसर की लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि जिस समय हम लोग गलती किए थे आज उस क्वेश्चन को फिर से दोहराएंगे ताकि आगे आने वाले एग्जामिनेशन में इस तरह का दोबारा गलती न करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सबसे पहले यह आवश्यक है कि आप निर्देश को जरूर पढ़ लें। निर्देश क्या लिखा है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या फिर सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए, यानी कि सबसे जो भी बेस्ट ऑप्शन होगा आपको उसे टिक करना है। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उस समय हमको लगता है कि चारों का चारों ऑप्शन सही है, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होगा, जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा, हमको केवल उसको चूज करना है। तो चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, यानी कि शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन, आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। सही बात है, यदि बच्चे आपस में संवाद नहीं करेंगे, पूछताछ नहीं करेंगे, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं जगेगा, उसमें शक्ति, मानसिक शक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है, एक नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है। तो दोस्तों, यह तो ज़रूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ जब हम अपने मेन उद्देश्य को पूरा नहीं करेंगे तो केवल अनुशासन बनाए रखने से नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, एक शिक्षक को निर्धारित पाठ पुस्तक का पालन करना चाहिए। दोस्तों, यदि एक शिक्षक निर्धारित पाठ पुस्तक का पालन करेगा तो जितना भी कार्य होता है बच्चे से संबंधित, स्कूल से संबंधित, वो सारे के सारे पुस्तक में लिखा हुआ नहीं रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यह जरूरी है, लेकिन इस चारों ऑप्शन में देखें, अगर गौर से सोचें तो एक नंबर का सबसे ज़्यादा प्रभावी है, तो इसलिए हमको ए नंबर का ही चूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्धि शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? समृद्ध शिक्षा यानी कि कोई भी क्लास यदि चल रहा है तो उस क्लास का उद्देश्य पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? कक्षा समृद्ध शिक्षा हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका है, पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संचरित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा होनी चाहिए। तो यह भी सही है, तो उसमें सब चीज़ जो है यदि संचालित होगा, योजनाबद्ध होगा, पाठ्यपुस्तक के अनुसार होगा, तो पाठ्यपुस्तक पूर्ण रूप से है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो पाठ्यपुस्तक से अलग सोच करके हमको करना पड़ता है, शिक्षक को करना पड़ता है, तो एक नंबर का खास सही नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि लंबे समय तक चलते रहे, यानी कि यदि कोई भी मान लीजिए सब्जेक्ट ही चल रहा है, अगर विद्यार्थी को लॉन्ग टाइम में उसको समाप्त करेंगे तो इसका मतलब वो पढ़ पढ़ करके बोर हो जाएगा, तो इस तरह से उसको लंबे समय तक नहीं, कम से कम समय में, सही से सही शब्द में, सूटेबल शब्द में हमको ख़त्म करना चाहिए, तो लंबे समय तक चलेगा तो यह भी जो है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित खुली ताक सेल्फी सेल्फ के रूप में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। यदि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में, यदि उसका सोल्यूशन तुरंत मिल जाता है तो बच्चे में कॉन्फिडेंस जगता है, इसलिए तीन नंबर का ऑप्शन जो है, समय अनुसार यदि प्राप्त कर लेता है कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो वो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, तो तीन नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। चार नंबर का भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अलमीरा में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है। दोस्तों, यदि कोई भी पुस्तकालय अगर सप्ताह में एक बार खुले और स्टूडेंट को ज़रूरी हो जाए किसी भी किताब का, किसी भी बुक का, तो उसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जाएगा कि एक सप्ताह में एक बार खुलेगा, उसके बाद ही उसका सोल्यूशन डील होगा, तो ये भी सही नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर तीन नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पुस्तकों की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका दो नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ
सामग्री में से एक है। कोई भी पुस्तक है वो क्या करता है, उस संसाधन को उपलब्ध कराता है, और संदर्भ सामग्री में से भी एक होता है। इसका दो नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पाठ्याचार फ्रेमवर्क यानी कि NCF 2005 अपनी समझ डैश से प्राप्त की है तो रचनावाद से प्राप्त की है। रचनावाद 2005 के अनुसार संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछते हैं। सही बात है, यदि कोई बच्चा केवल पढ़ रहा है, रेगुलर आ रहा है, वर्दी में आ रहा है, अनुशासन बनाए रख रहा है, नियमित रूप से उपस्थित हो रहा है, और यदि वे स्पष्टीकरण के लिए क्वेश्चन नहीं करता है सर जी से, अगर शिक्षक से प्रश्न नहीं पूछते हैं, तो इसका मतलब है बच्चे का जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो इसलिए इसका एक नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा, स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है या फिर सबसे अधिक उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन है आपका, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने के लिए मदद करनी चाहिए या बातचीत करने के लिए उत्साहित करनी चाहिए। तो ये सही ऑप्शन है, क्योंकि जब तक बच्चे अपने वास्तविक जीवन को जोड़ करके एक दूसरे से बातचीत नहीं करेगा, तो एक दूसरे से कोई भी बात शेयर नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे की जो उद्देश्य है पढ़ाई का वो पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह मदद करता है, यानी कि अनुशासन के बारे में पूछ रहा है। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद कराने में। जो बच्चा रटकर याद करेगा उसमें कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं जगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। ये सही ऑप्शन है, बच्चे अपनी शिक्षा को विनियमित कर पाए इसके लिए अनुशासन जरूरी है या फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और मॉनिटर करने के लिए। इससे दो क्वेश्चन आए थे, एक और क्वेश्चन आया हुआ है इससे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषा में तो निभाता ही निभाता है, एक जीन होता है अनुवांशिकता जो स्थानांतरित होता है, पैतृक गुणों को बच्चों में स्थानांतरित करता है। उसके साथ साथ पर्यावरण जो होता है, जिस परिवेश में बच्चा रहता है उसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो दो नंबर का ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही हो जाएगा, विकास के कुछ पहलू अनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन इसका दो नंबर का सही हो जाएगा। इसमें जैसे कि चार नंबर में दिया है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, तो यह असंभव है। जो जन्मजात है उसे किसी भी पौष्टिक आहार से दूर नहीं किया जा सकता है। तो चार नंबर का तो वैसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो कौन सा कथन ये इसमें है जो कि पियाजे ने नहीं कहा है। तो इसमें हो जाएगा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। यह ऑप्शन जो है आपका पियाजे के अनुसार जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार ये सही हो जाएगा, चार नंबर का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो इसमें अनुकरणीयता है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमान्यता। तो इसका आंसर तीन नंबर का हो जाएगा सही आंसर, प्रतीकात्मक विचार का विकास, यह पूर्ण क्रियात्मक सीमा का नहीं है, सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके अलावा। तो क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद आपको आंसर ढूंढना है कि क्वेश्चन क्या है। डैश के अलावा, किसके अलावा कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चार नंबर का सही आंसर,
यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। तो यह जो है इसके अलावा बाद बाकी तीनों ऑप्शन जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन चार का महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, इसलिए चार नंबर का इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और बाद बाकी तीनों ऑप्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यहाँ पर लगा दिया डैश के अलावा, तो मतलब चार के अलावा तीनों जो हैं एक दो तीन ऑप्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, केवल चार नहीं निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है, यानी कि कौन सा ऐसा प्रश्न है चार ऑप्शन में से जो बच्चे को सोचने के लिए मजबूर करता है। तो विभिन्न तरीकों से हम प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं, यह जो है विभिन्न तरीकों से, तो यानी कि बच्चे सबसे पहले ये सोचेगा कि कितने तरीके से हम हल कर सकते हैं, इस पर जोर पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, तो बच्चा केवल ये सोचेगा कि हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, इस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तीन नंबर का ऑप्शन है, सही जवाब क्या है, तो इसमें क्या है बस चूज करना है, इसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है बच्चे के दिमाग पर। चार नंबर का ऑप्शन है, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, तो इसमें थोड़ा जोर डालेगा दिमाग पर। लेकिन एक नंबर का जो ऑप्शन है इसमें विभिन्न तरीकों से कैसे हल कर सकते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा क्षेत्र बनता है सोचने का, इसलिए इसका आंसर सही एक का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, जो प्रगति शिक्षा में क्या करते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसका वर्णन करता है, तो इसका दो नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग विधि से सबसे अच्छे प्रगतिशील शिक्षा प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, तो इसमें से कौन सा कथन है जो कि यह बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। चार नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्रकृति दुनिया को प्रतिबिंबित करता है, तो यह सही ऑप्शन इसलिए हो जाएगा कि जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे वो अपने परिवेश से, अपने समाज से, अपने विभिन्न प्रकार के शिक्षा से, यानी कि सबसे ज़रूरी बात तो ये अपने प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित नहीं कर पाएंगे, इसलिए चार नंबर का इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, शिक्षा स्वयं ही जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है, तो कौन सा ऐसा कथन है जो कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में माना गया, तो दो नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, तो इसका सही ऑप्शन दो नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है, तो निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किसको मतलब जोड़ता है, तो चार नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे के सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, तो ये क्षेत्र सबसे ज़्यादा संबंधित है कि बच्चा अपने से कुछ न कुछ करने में सफल हो रहे हैं, जो कुछ सीखे हैं उसका कुछ न कुछ उपयोग हो रहा है, तो चार नंबर का इस तरह से सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व है, तो इसमें तीन नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, में आम तौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है जो कि उभयलिंगी व्यक्तित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण कर लेते हैं, तो ट्यूशन में तो लिंग भूमिकाएं ये जो है ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन मीडिया द्वारा बहुत जानकारी प्राप्त हो जाती है समाजीकरण के द्वारा, और अपने संस्कृति से भी इस तरह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, तो इसका एक नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा, ट्यूशन को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह सही है, कौन सा सही है, तो दो नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए वे पक्षपाती हो जाते हैं, यानी कि कोई भी
अगर प्रतिनिधित्व करता है तो अपने संस्कृति का जब मुख्य रूप से प्रतिनिधि करने लगता है तब वो पक्षपाती हो जाता है, और उस समय उसको ये पता नहीं चलता है कि हम पक्षपाती हैं या फिर हम अपने जात का भी सपोर्ट कर रहे हैं या फिर अपनी संस्कृति का सपोर्ट कर रहे हैं। तो वह जब संस्कृति का सपोर्ट करने लगते हैं तब वो पक्षपाती हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है। तो एकाधिक बुद्धिमानी का यानी कि एक से अधिक बुद्धिमानी, तो इसमें तीन नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार ही डायरेक्ट आंसर है इसका। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है यानी कि एक से अधिक प्रकार की हो सकती है, और क्वेश्चन में भी है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहलाता है या कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने वे मूल्यांकन दोनों का उपयोग करते हैं। तो कहाँ उपयोग करते हैं सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने मूल्यांकन दोनों का उपयोग करते हैं? इसका ऑप्शन दो नंबर का सही हो जाएगा। बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में जो है शिक्षक दोनों का उपयोग करते हैं, मूल्यांकन का भी और सीखने के मूल्यांकन का भी दोनों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? जो नेगेटिव आपका आंसर आएगा वो उसको चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो खराब जो धीमे है, जो बुद्धिमानी नहीं है, ये तो मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। हम क्या चूज करते हैं मूल्यांकन में? जो सबसे अव्वल आता है, जो सबसे बेहतर आता है, जो सबसे बेस्ट आता है, हम उसको चूज करते हैं। तो इस तरह से एक नंबर का ऑप्शन निगेटिव आया, तो इसका मतलब क्वेश्चन के अनुसार एक नंबर का सही आंसर हो जाएगा। बाद बाकी तीनों ऑप्शन जो है 2, 3 और 4, यह जो सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है, तो यह भी एक क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों में प्रतिभाशीलता डैश के कारण हो सकती है। तो किसके कारण प्रभावशीलता होता है? कोई बच्चे जो है अपने क्लास में सबसे ज़्यादा पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं, तो इसका मतलब है उसके पिता के गुण यानी गुणसूत्र, अनुवांशिकता के कारण और अपने वातावरण के कारण जो है वो बच्चे अपने क्लास में ज़्यादा क्रियाशील है, इंटेलिजेंट है। तो इसका ऑप्शन 2 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। तो कौन सी कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है? यह भी नहीं। तीसरा ऑप्शन है आपका, उन्हें संस्कृति और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, यानी कि बच्चे की संस्कृति और भाषाई ज्ञान जो होते हैं उसको महत्व देना चाहिए क्लास में और उनका उपयोग करना चाहिए। जो बच्चे हिंदी पढ़ते हैं तो उसको हिंदी में ही सिखाना चाहिए, जो बच्चे इंग्लिश समझते हैं उसको इंग्लिश में ही सिखाना चाहिए, यानी कि अपनी मातृभाषा या फिर जो भाषा बच्चे जन्मिन रूप से जानते हैं उस भाषा में वो ज़्यादा सोच पाते हैं, ज़्यादा ही ऑब्जर्व करते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर 3 नंबर का हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, किस पर निर्भर करेगा? तो पहला ऑप्शन आपका, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी देने पर? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों का उपयोग करके, यह सही ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे जो है शिक्षक के अनुकूल चलना चाहिए बच्चे को, और प्रेरक यानी कि जो शिक्षक निर्देश देंगे उन तरीकों का उपयोग करना चाहिए जिससे वे सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है? जो नहीं है उसको चूज करना है। बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना, अगर कोई बच्चा बेचैन हो रहा है तो उन्हें फटकार लगाना, क्या यह सही है? नहीं, बिल्कुल भी गलत है। तो इसका मतलब है निगेटिव आंसर आया तो निगेटिव मांग रहा है, तो 1 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। बाद बाकी तीनों ऑप्शन जो है अति संवेदनशील बच्चों को मदद करता है, ये तीनों ऑप्शन 2, 3 और 4। आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप समझ पाएँ, और नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आपको यही हेल्प करेगा, यही कंसेप्ट हेल्प करेगा, न कि आपको जैसे कि
कई सारे बुक में हम लोग क्या करते हैं, ये सिद्धांत किसने दिए, ये कितने ईस्वी में हुए, ये सिद्धांत किसने दिए, इसको रटते रटते हम लोग समय बर्बाद कर देते हैं। लेकिन उससे कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 2-3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे बहुत हो गया। लेकिन इस कंसेप्ट को यदि आप क्लियर कर लेते हैं तो बाकी जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारा का सारा क्वेश्चन आप खुद से अपने प्रतिभाशाली से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे समझने में ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो प्रत्यास्थी हैं, विकलांग हैं, डिसलेक्सिक हैं, सृजनात्मक हैं। तो अलग यदि हम अलग अलग पैटर्न का यूज करके बच्चों की पहचान करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सृजनात्मकता मिलेगी। यानी कि बच्चे किस चीज़ में अव्वल हैं या फिर कितने एक्टिव हैं, ये सब हम लोगों को उसका पता चलेगा। तो इसे सृजनात्मकता कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने का तरीका का वर्णन नहीं कर सकता है। तो निगेटिव आंसर आपको ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है आपका, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। यह जो है निगेटिव आंसर दे रहा है, यानी कि अभिसरण वाले उत्तरों वाले प्रश्न पूछना यह नहीं पूछना चाहिए और निगेटिव आंसर आपको मांग रहा है, तो इसलिए ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरह से किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं को चर्चा करना। जब तक कोई विद्यार्थी चर्चा नहीं करेगा तब तक वो सीख नहीं पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए प्रति या फिर गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। तो कोई भी जानबूझकर यदि गलती कर रहा है तो ये ऑप्शन निगेटिव आ रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 1 और 3 दोनों होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन कोई आंसर एक ही लिया जाएगा, तो इसका आंसर 1 लिया गया है। तो हमको इसमें डॉट लग रहा है और 4 का तो सही है, तो निगेटिव आंसर 1 और 3 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और आप कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? तो दोस्तों संवेग के बारे में जब आप पढ़े होंगे तो संवेग क्या होता है कि भयभीत होना, डर होना। जैसे कि कोई भी हम मसालेदार या फिर अचार जो होते हैं, इमली जो होते हैं, खट्टापन, उसको देख करके जैसे ही नाम सुनते हैं तो जी से पानी आ जाता है, लार का आना। तो ये सब क्या है, एक प्रकार का संवेग है, डर पैदा होना संवेग है। लेकिन उत्तेजना, स्मृति, ध्यान, ये सब क्या है, संवेग नहीं है। तो 3 नंबर का सही ऑप्शन हो जाएगा, डर, भयभीत होना, मुंह से लार आना, तो ये जो है एक प्रकार का संवेग है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, 1-3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा उत्पादन होता है। तो बच्चे क्या सोच करके यह जवाब दिया है, आपको इसका स्पष्टीकरण करना है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है, तो यह जरूरी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, तो यह भी सही है लगभग, लेकिन इस आधार पर नहीं कि बच्चे यह नहीं जान पाए कि दूध कहाँ से आती है, गाय देती है या फिर फैक्ट्री में बनता है। तो इतना जानकारी दुनिया से रिलेटेड नहीं, खुद अपने वातावरण में भी मिल जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है, यह सही है। जैसे कि दूध बूथ पर यदि दूध मिलता है, हम दूध खरीदने के लिए जाते हैं किसी दुकान पर, तो वहाँ पर हमको क्या लगता है, या फिर बच्चा है तो उसको लगता है कि वहीं दुकानदार बनाता है दूध या फिर वहाँ पर बनता है, इसलिए दुकानदार दूध बेचता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि 4 का है, बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा, गायों को तो ज़रूर देखे होंगे क्योंकि अपने वातावरण में बहुत सारे गाय देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। और बताइए कि वीडियो अच्छा लगा है तो हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए तैयार करें। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।